Guys, myself Dr. Rakesh Kumar Tripathi and I welcome you all. Aaj ka sawal IIT JEE ke level ka domain and range of this function hame nikalna hai aur function is connected with this condition. Is condition se hamara f of x connected hai. To dekhiye kaise nikalte hain iska domain aur range. To sabse pehle jo given condition hai aapke paas twice of f of x minus 1 minus f of 1 minus x upon x is equal to x और इससे हमें f of x की वैल्यू निकालनी है. तो f of x की वैल्यू निकालने के लिए एक अगर आपने मेरा पुराना वीडियो कोई देखा हो तो उसमें एक इस तरह का मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है twice f of x plus thrice f of 1 by x is equal to x प्लस 1 बाय x या x माइनस 1 बाय x इस तरह का है. क्योंकि ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने x को 1 बाय x से रिप्लेस किया था. तो जब x को 1 बाय x से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस f ऑफ 1 बाय x. यहाँ लिखेंगे उसको ट्वाइस f ऑफ 1 बाय x को और इसमें जब x की जगह 1 बाय x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास thrice f of x. और यहाँ कंडीशन कुछ इस तरह से होगी 1 by x plus x, 1 by x plus x. अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशंस बना के सॉल्व करते हैं. साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाने का मतलब है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस कर देते हैं तो हमारे पास f ऑफ x आता है. तो जैसे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4 f ऑफ x माइनस दिस माइनस 5 f ऑफ x इज इक्वल टू, आप उसमें से कर देंगे तो 2x और माइनस 3x माइनस x और 2 1 बाय x माइनस 3 1 बाय x ये हो जाएगा माइनस 1 बाय x और f ऑफ x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 5 x प्लस 1 अपॉन x. ये आपका f ऑफ x है. इसी तरह का सवाल है ये, केवल हमें थोड़ा सा घुमाया है. तो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें और कैसे कर सकते हैं. और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन में ढेर सारी लर्निंग है. और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस जो IIT JEE के फंक्शंस के लिए मैंने डाले हुए हैं तो आप अगर नहीं देख सकें तो एक बार उन्हें देख जरूर लें ताकि आपका नॉलेज जो है वो बूस्ट हो जाएगा. तो चलिए हम देखते हैं, x की जगह 1 बाय x डालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्वाइस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 यहां डाल दें माइनस f ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन x अपॉन 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन x. और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा ट्वाइस f ऑफ 1 माइनस x अपॉन x माइनस f ऑफ एलसीएम ले लें यहाँ x माइनस 1 अपॉन x डिवाइडेड बाय 1 बाय x. अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो तुरंत से काट दें, बहुत ही अच्छी बात होगी. और यहाँ पर 1 बाय x है एंड वी आर गिवन दैट x इज नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 नहीं होगी. अब जब सिंप्लीफिकेशन के बाद ये किस तरह से आता है दोस्तों, ट्वाइस f ऑफ 1 माइनस x अपॉन x माइनस f ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x. आप इसको देख के समझ रहे होंगे इतना शानदार प्रॉब्लम है, अल्टीमेट प्रॉब्लम है. अब ये जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन नंबर मान लीजिए इक्वेशन नंबर ये 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है. तो इक्वेशन 1 और 2 को कुछ इस तरह से लिख लें ताकि हमें कैंसिल करने में और समझने में ज़्यादा दिक्कत ना पड़े. तो आए इसको समझ लेते हैं कि क्या करना है हमें. तो मान लीजिए कि ये कंडीशन आपकी ये तो दी हुई है, इसको ये 1 है आपके पास. जो दूसरी वाली है इसमें मैं माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 को पहले लिख देता हूँ, माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 को दोस्तों पहले लिख दिया और उस कंडीशन को बाद में लिख दिया. ट्वाइस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू में कितना है 1 अपॉन एक्स, लेट दिस बी नंबर 2. मान लीजिए कि ये नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2. अब मुझे या हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स.
तो एफ ऑफ एक्स में अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि x माइनस वन की जगह हम कैपिटल y लिख देंगे या y लिख देंगे या कैपिटल x लिख देंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आएगा। और अगर इसकी वैल्यू निकाल ली तो फिर इसकी जगह y लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसको ध्यान से देखो दोस्तों, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करें, यानी वन से कर देते हैं, और इसको किससे कर देते हैं, सॉरी इसको हम टू से कर देते हैं, टू से कर देते हैं, क्योंकि टू से करेंगे तो ये वाली चीज एलिमिनेट हो जाएगी और दूसरी वाली को वन से कर दें। तो फिर देखें क्या होता है, जब इसको आप टू से कर देते हैं और इसको वन से कर देते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं दोस्तों, इस बार ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे तो दिस और दिस, ये दीज टू टर्म्स विल बी कैंसल्ड और ये आ जाएगा हमारे पास टू टू या फोर, और ये माइनस वन है, फोर में से वन सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड कर रहे हैं लेकिन ये बीइंग दिस माइनस साइन वो सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास थ्राइस एफ ऑफ एक्स माइनस वन और ये दोनों कैंसिल इज इक्वल टू टू एक्स और ये प्लस वन अपॉन एक्स। अब इधर आप एलसीएम भी ले सकते हैं, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स और उस थ्री को नीचे भेज दें तो ये आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस वन। अब दोस्तों हमें तो एक्स एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, एक्स माइनस वन को कैपिटल एक्स रख दें तो ये बन जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस अपॉन थ्री एक्स। अब जब ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ गया हमारे पास टू एक्स स्क्वायर सॉरी टू एक्स एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू होगी, ये वन उधर ट्रांसफर हो जाएगा, टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वन, ये आ गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ कैपिटल एक्स आ गया। अब हम इसका डोमेन निकाल सकते हैं और डोमेन निकालने के बाद अब हम इसका रेंज भी निकाल सकते हैं। तो इसका डोमेन क्या कहता है, तो ध्यान से देखिए इसका डोमेन कहता है कि क्या वैल्यू हो सकती है x की, कैपिटल x कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट दिस माइनस वन, क्योंकि अगर कैपिटल x माइनस वन हो गया तो डिनोमिनेटर विल बिकम व्हाट, जीरो, डिनोमिनेटर जीरो होने नहीं देना है जैसा कि हमको मालूम है। और अगर आपको कन्फ्यूजन है कि यहाँ कैपिटल x है और स्मॉल x है तो डोंट बी कन्फ्यूज्ड, आप कन्फ्यूज ना हो, फंक्शन में अगर आप यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिखना चाहते हैं तो एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, कैपिटल एक्स को वाई स्मॉल एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, कैपिटल एक्स को वाई से कर सकते हैं, जेड से कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में ये आ रहा हो कि भाई हमने एक्स माइनस वन को कैपिटल एक्स लिखा था तो कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वन होना चाहिए, नहीं, नो इशू, उसका कोई इशू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया और दोनों साइड हमने इसको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो जो हमारा पुराना बीत गया उससे हमारा लेना देना ज़्यादा नहीं है। अब हम चाहें तो यहाँ पे कैपिटल एक्स लिख दें, स्मॉल एक्स लिख दें, वाई लिख दें, वो फंक्शन वैसा की वैसा ही रहेगा, कैसा रहेगा, जैसा ये है। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स लिख दूँ या मैं चाहो, आप चाहते हो कि मैं एफ ऑफ वाई लिख दूँ तो वाई भी लिख सकते हैं, टू इंटू वाई प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री इंटू वाई प्लस वन, कैपिटल रहना रखना है कैपिटल भी रख सकते हैं, नो इशू एट ऑल, उसमें कोई इशू नहीं है। अब इसका डोमेन क्या होगा, तो ध्यान से देखें इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस वन, वहाँ भी वही बात थी यहाँ भी यही बात है, और y की जगह अगर कैपिटल वो स्मॉल x लिख दें तो भी वही बात है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का वही डोमेन होता है जो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू किसका होता है, साइन y का, यही डोमेन होता है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड का। तो डोंट बी कन्फ्यूज एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट पे आपको, इस पॉइंट पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि वो एफ ऑफ एक्स है और ये कैपिटल एक्स है, नो नो नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। अब हमें इसकी दोस्तों रेंज निकालने की बात आई कि हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ दिस, रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने के लिए हम एफ ऑफ एक्स को यूजुअली वाई से रिप्लेस करते थे, और अगर हमने मान लीजिए कि एफ ऑफ वाई लिखा है तो एफ ऑफ वाई को क्या लिख देते हैं हम,
जेड से रिप्लेस कर देते हैं, तो एफ ऑफ वाई को मैंने जेड लिख दिया, तो जेड इज इक्वल टू 2 इंटू, इसको ओपन कर लें हम, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू वाई प्लस 1। और क्या करते हैं हम, y की वैल्यू निकालते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू वाई जेड प्लस 3z 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 प्लस 1। क्लियर? अब सारी टर्म जो है वो एक तरफ ले लेते हैं, तो यहाँ राइट साइड पॉजिटिव है, इधर ही ले लेते हैं, 2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस दिस 3yz माइनस 3z, और ये ऑलरेडी है हमारे पास 1 प्लस 2 3, तो 3 माइनस 3z, 3 माइनस 3z इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो दोस्तों, इसे हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे y में, और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए 2y स्क्वायर प्लस y कॉमन ले लिया, 4 माइनस 3z, इसमें से अगर आप 3 माइनस 3z लिखते हैं नो प्रॉब्लम, अगर माइनस लिख देते हैं कॉमन तो ये हो जाएगा 3z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारा वो जो फॉर्मूला है दोस्तों, कौन सा वाला फॉर्मूला है, हमारा जो फॉर्मूला क्वाड्रेटिक का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उसका यूज कर देते हैं, तो ये y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस ऑफ 4 माइनस 3z प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी मीन्स ये बी है, ये बी है, ये ए है, और ये जो है ये पूरा इंक्लूडिंग दिस माइनस ये पूरा सी है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है हमारा, ये सी है, तो ये आ जाएगा आपके पास बी माइनस, ये बी स्क्वायर है, तो 4 माइनस 3z स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, ए मीन्स 2 इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी है माइनस 3z माइनस 3, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, और अपॉन में क्या आएगा हमारे पास, अपॉन में आएगा 2 इंटू ए, 2 इंटू ए मीन्स 2 इंटू 2। अब ज़्यादा इसके बारे में ना सोचें, केवल इसके बारे में सोचें कि अगर ये y रियल है, y रियल कब होगा, y रियल इसलिए होना जरूरी है क्योंकि y क्या था इसका, ये देखिए y क्या है इसका, डोमेन का, डोमेन में पता चला कि y कैन बी एनी रियल एक्सेप्ट व्हाट, माइनस 1, तो y क्या चीज है, y एक रियल वैल्यू है इससे पता चला। देखिए आप, ये डोमेन किसको, ये y किसको बिलोंग करता है, y बिलोंग्स टू डोमेन, तो y एक रियल नंबर होना चाहिए, तो रियल नंबर कब होगा, रियल नंबर जब होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो ये जो ये है, ये आप नहीं भी निकालते y की वैल्यू तो भी चलता, केवल ये वाली बात को ध्यान रखें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 माइनस 3z स्क्वायर माइनस 4 ये सॉरी प्लस वो 2 जा कितना हो गया आपका 8, 3z माइनस 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, 4 स्क्वायर 16 प्लस 9z स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24z, ये भी कैंसिल, ये आप देख ले 8 3 जा 24z 24z कैंसिल हो गया, माइनस 8 3 जा 24 ग्रेटर और इक्वल टू व्हाट 0, तो ये अपने पास आ गया है दोस्तों 9z स्क्वायर माइनस 8 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब 9z स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो इसके फैक्टर बना लेते हैं, तो फैक्टर देखिए क्या बनेंगे इसके फैक्टर, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे आपके पास 3z माइनस, या पहले ठीक से लिख देता हूं मैं, 3z स्क्वायर माइनस रूट 8 स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो ये इसका फैक्टर हो गया 3z
3z माइनस रूट एट और दूसरा बन गया 3z प्लस रूट एट ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। अगर आप वेवी कर्व का यूज करना चाहते हैं तो पहले 3 से डिवाइड कर दें, तो 3 से डिवाइड कर देंगे इसको भी तो हो जाएगा z माइनस रूट एट बाय थ्री और ये हो जाएगा z प्लस रूट एट बाय थ्री। उसकी शर्त क्या वेवी की आपको मालूम है कि ये सारे कोफिशियंट्स पॉजिटिव होना z के, x से तो x के, y है तो y के, तो इनके कोफिशियंट्स पॉजिटिव हैं। फिर ये यहाँ से यहाँ क्या चीज़ होती है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे होती है प्लस इन्फिनिटी। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, रूट एट अपॉन थ्री और माइनस रूट एट अपॉन थ्री। तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस रूट एट बाय थ्री प्लस रूट एट बाय थ्री से छोटा होता है। अब आप यहाँ से वैल्यू रखना चालू करते हैं तो यहाँ सबसे पहले प्लस आती है, फिर माइनस आती है, प्लस आती है अल्टरनेट। अगर पावर ऑड है तो पावर इसमें वन वन है तो प्लस माइनस प्लस आएगी, और अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो भी कंफर्म करके वैल्यू रख दें। रूट एट बाय थ्री से कोई बड़ी वैल्यू, रूट एट बाय थ्री से बड़ी वैल्यू मान लीजिए फोर है, तो फोर रखेंगे तो फोर प्लस दिस पॉजिटिव, फोर माइनस दिस पॉजिटिव। फिर माइनस रूट एट बाय थ्री और रूट एट बाय थ्री के बीच की वैल्यू जीरो रख दीजिए, जीरो माइनस दिस नेगेटिव, जीरो प्लस दिस पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, और इससे छोटी वैल्यू रखेंगे तो आएगा आपके पास पॉजिटिव। आपका जो रेंज होगा वो, मतलब जो z किसको बिलोंग करेगा, z बिलोंग्स टू दिस, इसको, तो कहाँ से कहाँ तक करेगा, सॉरी ये माइनस इन्फिनिटी आएगा, ये प्लस इन्फिनिटी आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस रूट एट बाय थ्री यूनियन रूट एट बाय थ्री टू प्लस इन्फिनिटी। ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा रेंज आएगा, किसका रेंज आएगा, रेंज ऑफ फंक्शन f, फंक्शन का रेंज आएगा, इसमें ना तो y आएगा ना z आएगा ना x आएगा, ये फंक्शन का क्या हो जाएगा, रेंज। और डोमेन जो मैंने बताया था आपको, डोमेन जो था फंक्शन का आपने देखा था ऑल रियल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट व्हाट, ऑल रियल एक्सेप्ट माइनस वन, माइनस वन को छोड़ के सारी वैल्यूज थी। अब एक बात अपने दिमाग में होती है कि वो जो शुरू में दिया था आपको कि x नॉट इक्वल टू जीरो, क्या दिया था आपको, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, जो आपको दिया हुआ था शुरू में दिया था, स्टार्टिंग में दिया था x नॉट इक्वल टू जीरो, तो आप नोटिस करें कि आपने x माइनस वन को क्या लिया था, कैपिटल x लिया था, तो x नॉट जीरो है, x नॉट जीरो है, तो इसका मतलब ध्यान से सुनिए, इसी x को हमने क्या माना था, इसी x को हमने क्या माना था, y माना था, तो अगर x जीरो नहीं है, अगर x जीरो नहीं है तो कैपिटल x क्या नहीं होगा, यहाँ पर जीरो रख दें तो x क्या नहीं होगा, x नॉट इक्वल टू माइनस वन, यानी y नॉट इक्वल टू माइनस वन, यानी ये वही बात है। इसलिए आप यहाँ पे ऑल रियल माइनस वन कॉमा जीरो नहीं लिखें, ऑल रियल माइनस माइनस वन इज एनफ, यही लिखना है, इसमें कॉमा जीरो एक इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये था दोस्तों आपका आंसर, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। पुराने वीडियोज़ जो इसके बेसिक कंसेप्ट बनाने वाले वीडियोज़ हैं उन्हें आप चैनल पर जाकर जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, और सारे वीडियोस आप देखें, आप अपने फंक्शन को एकदम साउंड बना लें, क्योंकि फंक्शन पे टिका हुआ है कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और बहुत कुछ। तो आप अपने आप को खुद से मजबूत करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों तक बात पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी बेस्ट विशेष है, खुद स्ट्रांग बने, देश को स्ट्रांग बनाएं, ऑल द बेस्ट।